हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यंदे इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज एक और हम वैल्यू चेन का एक डिटेल्ड वीडियो करने वाले हैं। तो ऑलरेडी आई थिंक 7 वैल्यू चेन के वीडियोस वी हैव ऑलरेडी डन, जिसमें से हमने सेमीकंडक्टर का किया है, क्रूड ऑयल का किया है, राइट, इलेक्ट्रिसिटी का किया है, फार्मा वैल्यू चेन कम्प्लीटली किया है, राइट, तो ऐसे नेचुरल गैस सेक्टर का किया है, LPG का किया है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, मतलब जिसमें आपको बहुत डिटेल एनालिसिस मिलता है कि ओवरऑल वो सेक्टर या वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट कहाँ से आता है, कैसे जाता है, उस सब चीज़ों का बहुत डिटेल में एनालिसिस मिलता है। तो ऐसे 7 वैल्यू चेन इज कंप्लीट नाउ। दिस इज द 8th वैल्यू चेन वीडियो विच इज़ लाइव, विच इज गोइंग टू बी लाइव नाउ। ठीक है, तो इसके लिए आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, 1.5x पे देख सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा रहेगा वीडियो। बहुत अच्छे से समझाया जाएगा कि सोलर फोटोवोल्टेक का जो वैल्यू चेन क्या है, मतलब क्या होता है। बेसिकली सोलर सेल, जिससे हमारी सोलर पावर जनरेट होती है, जो वो सोलर सेल है, जो सोलर पैनल है, उसका पूरा कंप्लीट वैल्यू चेन क्या है, राइट, और ग्लोबली कैसा दिखता है सेक्टर, इंडिया में कौन कौन से प्लेयर्स हैं, कैसा दिखता है सेक्टर करंटली, फिर आगे क्या क्या चैलेंजेस हैं और कैसे क्या क्या नए नए रेगुलेशंस आ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में बात हो रही है आजकल, स्पेशली US एंड चाइना में काफ़ी सारे अलग अलग डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ स्पेसिफिकली दिस सेक्टर। सोलर सेल जो है वो एक बहुत बड़ा गेम चेंजर टेक्नोलॉजी है फ्यूचर में, जिससे लगता है कि काफ़ी बड़ा ये पावर जो है जनरेट वर्ल्ड का इन प्रोडक्ट्स की वजह से होगा। तो इसके बारे में ही बात करेंगे कि ये कैसे बनता है, कहाँ से कहाँ पहुँचता है, तो पूरा वैल्यू चेन समझेंगे इस वीडियो में। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और स्टॉकोमीटर पे ये सब वीडियोस आते रहते हैं, तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो सब इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि सोलर एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। अगर हम इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव से देखें, आप चार्ट देखेंगे, तो मेजरली जो इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं करंटली, वो सबसे ज़्यादा सोलर सेल में हो रहे हैं। मतलब जितना भी पैसा रिन्यूएबल एनर्जी में आ रहा है, आप देखोगे तो 2022 में ऑलमोस्ट $300 बिलियन का इन्वेस्टमेंट जो है वो सोलर पावर जनरेशन या सोलर पावर में हुआ है बेसिकली। और सेकंड जो है वो विंड है, जिसमें ऑलमोस्ट अगेन 170-180 बिलियन डॉलर हुआ है, और बाकी जो है अदर्स हैं, बायोफ्यूल्स हैं, इस पर जो है इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा फोकस ग्लोब में सोलर एनर्जी पे बहुत ज़्यादा है, स्पेसिफिकली अगर हम देखें एशिया पैसिफिक रीजन्स में, क्योंकि वी आर ब्लेस्ड विद मोर सोलर पावर। ठीक है, तो ये आपको देखिए और कैसे ये बढ़ रहा है कंसिस्टेंटली। 2022 का डाटा है, 23 में आई एम श्योर इट इज़ इवन हायर। तो सोलर एनर्जी इज़ वेरी वेरी, मतलब एक काफ़ी एक फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, मतलब एनर्जी मानी जा रही है, और ये माना जा रहा है कि ये यही एक ऐसी एनर्जी है तो सबसे ज़्यादा क्रूड को मतलब सब्स्टिट्यूट करेगी, और यही सबसे एक मेजर एनर्जी ग्लोब में जिससे पावर जनरेट होगी। तो अगर हम ओवरऑल कैपेसिटीज़ के बारे में बात करें, राइट, तो वर्ल्ड में करंटली 1185 गीगावाट की कैपेसिटी है, जो कि सोलर से, मतलब सोलर पावर की कैपेसिटी है करंटली, जिसमें से 240 गीगावाट, 1185 में से 240 सिर्फ 2022 में ऐड हुई है। ठीक है, तो चाइना में अगर हम देखें तो वो ऑब्वियसली सबसे बड़ा प्लेयर है इसमें, तो 1185 में से 414 तो उनके पास है, और 106 मतलब 25% ऑफ टोटल देयर कैपेसिटी दे हैव जस्ट एडेड इन वन ईयर, दैट इज़ इन 2022। ठीक है, फिर ऑब्वियसली थर्ड है यूरोप एज ए पूरा कॉन्टिनेंट, 209 उनके गीगावाट कैपेसिटी है, 39 उन्होंने ऐड किया है। अगर हम यहाँ पर अब US को देखें, राइट, तो US इज स्टिल अ स्मॉलर इन दिस, 141 की उनकी कैपेसिटी है टोटल, और उन्होंने 18.6 गीगावाट एनर्जी, मतलब कैपेसिटी ऐड की है 2022 में। इंडिया को देखें तो हमारी 79 है करंटली, ठीक है, और मतलब टिल 2022 एंड, और उसमें से 18 जो है, मतलब जितना US ने ऐड किया है उतना ही ऑलमोस्ट हमने नई सोलर पावर की कैपेसिटी ऐड की है इन 2022। ठीक है, तो एक काफ़ी फास्ट आप देख रहे हैं कि कितना फास्ट ये ग्रोथ, कैपेसिटी एडिशन इन सोलर पावर मेजर इकोनॉमी, ऑब्वियसली चाइना इज लीडिंग इट, ठीक है, बाय बिग मार्जिन। तो इस तरह से ये टोटल ओवरऑल ऐड हो रहा है, ऑब्वियसली इंडिया इज ऑल्सो वेरी फोकस्ड, और हमने देखा है 80 में से 18 जो है वो सिर्फ 2022 में ऐड हुई है, तो ऑब्वियसली वी आर ऑल्सो क्वाइट फोकस्ड ऑन दिस एंड काफ़ी इन्वेस्टमेंट हो रही है, और आई एम श्योर
मेरे आपने ट्वीट्स और वीडियोस वगैरह देखे होंगे, तो इसमें हमारा ग्रीन एनर्जी पोर्टफोलियो भी है, मॉडल पोर्टफोलियो, वो स्पेसिफिकली इसमें हमने काफ़ी डिस्कशन करते हैं हम, ठीक है, ऑन द सोलर पावर एज सच, ठीक है। तो ये इसलिए ऑब्वियसली मतलब ये जस्ट बताने के लिए है कि कितनी इंपॉर्टेंस है इसकी। अब हम थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग डिटेल में जाते हैं, मोर घुसते हैं इसके अंदर, कि जो सोलर जो मॉड्यूल्स होते हैं ना, जो पैनल्स होते हैं बेसिकली, या सोलर सेल्स होते हैं, जो पैनल्स होते हैं, राइट, उनकी अलग अलग टेक्नोलॉजीज हैं, ठीक है, और ऑब्वियसली ये इम्प्रूव भी हो रही है, ऐसा नहीं है कि दिस इज द फाइनल वन, ठीक है। तो एक है मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स, जो सबसे ज़्यादा मतलब बड़े और फेमस हैं, सबसे ज़्यादा जो सोलर पैनल्स जो वर्ल्ड में अभी यूज़ होते हैं, वो मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स यूज़ होते हैं। ये एक सिंगल प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल से बनते हैं, ठीक है, एफिशिएंसी इनकी ज़्यादा होती है 17-20%, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। और बैक्स एक सोलर पैनल का जो प्राइस है वो 48 रुपीज़ पर वॉट बेसिकली पड़ता है। पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल पहले ज़्यादा यूज़ होते थे, इनकी एफिशिएंट ये कम है, राइट, जो मोनोक्रिस्टलाइन से कम है, मल्टीपल क्रिस्टल्स रहते हैं, पावर कम जनरेट करता है, स्पेस भी ज़्यादा लेते हैं, तो इसलिए इनको अब मोस्टली ये बैक ऑफ द बर्नर जा रहे हैं, ये ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करते हैं, और क्लाउडी वेदर में भी दे डोंट वर्क प्रॉपरली, मोनोक्रिस्टलाइन वर्क्स बेटर इन क्लाउडी वेदर। फिर एक थिन फिल्म सोलर पैनल्स होते हैं, ठीक है, तो बेसिकली दीज आर द जिसमें मेटल मतलब मेड बाय डिपॉजिटिंग लेयर्स ऑफ फोटोवोल्टिक मटेरियल ऑन अ सब्सटेंस लाइक मेटल, ग्लास और प्लास्टिक। तो ये कर्व्ड सरफेस पे बेसिकली ऐसे सोलर पैनल्स हैं जो कर्व भी हो सकते हैं, कर्व्ड सरफेस पे भी इंस्टॉल हो सकते हैं, तो ऑब्वियसली कॉस्ट ज़्यादा है इनकी, ठीक है, और तो इसलिए इनकी केयर और मेंटेनेंस भी थोड़ी ज़्यादा रहती है। फिर एक कॉन्सेंट्रेटेड फोटो वो है, ठीक है, तो जो कि सन रेज को कॉन्सेंट्रेट करके एक जगह पे फोकस कर पाते हैं और उससे ये सोलर पावर जनरेट करते हैं, बट ये मोर एक्सपेंसिव है, ठीक है, दो एनवायरनमेंट फ्रेंडली बट दे आर मोर एक्सपेंसिव, और ये काफ़ी नई टेक्नोलॉजी बेसिकली करंटली है, कॉन्सेंट्रेटेड फोटोवोल्टिक सेल्स। तो इस तरह की चार मेजर टेक्नोलॉजी है, जिसमें एज आई सेड कि मोनोक्रिस्टलाइन सबसे ज़्यादा फेमस है, और हम उसके बारे में भी बात करेंगे कि क्यों है, कैसे है, कैसे ट्रेंड है, और पुरानी जो हो गई है पॉलीक्रिस्टलाइन, ये पुरानी हो गई, थिन फिल्म यूज़ हो रहा है बिल्कुल, जहाँ जहाँ पे थोड़ा कर्व्ड सरफेस पे या फिर मतलब फ्लेक्सिबल अगर आपको वो चाहिए सोलर पैनल्स, तो वहाँ पर ये थिन फिल्म सोलर पैनल्स यूज़ होते हैं। तो ये बेसिकली हमें समझना ज़रूरी है। अब हम थोड़ा ग्लोबल सोलर पीवी वैल्यू चेन को समझेंगे पहले, और फिर इंडिया पे जाएंगे और इंडियन कंपनीज के बारे में भी बात करेंगे, जो जो इसमें हैं इस पूरे स्पेस में, ठीक है, तो वो अच्छे से बात करेंगे, और फ्यूचरिस्टिक का भी उनका काफ़ी ज़्यादा जो प्लान्स हैं वो भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब सबसे पहले ग्लोबली होता कैसे, बेसिकली बनता कैसे है, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है उसके लिए। तो बेसिकली एक पॉलीसिलिकॉन, ठीक है, वो सबसे पहले बनता है, ठीक है, तो उसको हम कह सकते हैं कि सिलिकॉन का प्योरिफिकेशन होता है, जो सिलिकॉन एलिमेंट है, फिर उसको जो है इनगॉट्स में चेंज किया जाता है, तो इस तरह से होते हैं, ठीक है, और फिर इनगॉट्स को बेसिकली वेफर्स में चेंज किया जाता है, ठीक है, तो उसमें काफ़ी सारी वायरिंग भी होती है, वेफर सेपरेशन, वॉशिंग, वेफर इंस्पेक्शन, सॉर्टिंग वगैरह रहती है, फिर वेफर्स को बेसिकली सोलर सेल में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है, जो प्योर जिससे मेजरली बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होनी है, ठीक है, तो उसमें डिफ्यूजन होगा, ठीक है, स्क्रीन प्रिंटिंग होगी, बेकिंग होगी, सेल ट्रांसफर, इंस्पेक्शन वगैरह उसमें होगा, और फिर फाइनली वो जो सब और भी चीज़ें उसमें ऐड होंगी, ठीक है, मतलब सोलर सेल के साथ उसके साथ ग्लास होगा, उसका पैनल होगा, तो टोटल उसको सोलर मॉड्यूल बोला जाता है, इसमें वायरिंग होगी, लेमिनेशन होगा, सीलिंग होगा, फ्रेम होगा, राइट, उसमें ग्लास वगैरह लगेगा, तो सब चीज़ें लगेंगी, तो इस तरह से फाइनल सोलर मॉड्यूल बनता है। तो ऐसे सिलिकॉन से लेके तो अलग अलग प्रोसेस हैं, सिलिकॉन का पहले मतलब प्योरिफिकेशन, फिर सिलिकॉन से इनगॉट, इनगॉट से वेफर, वेफर से सेल एंड सेल टू सोलर मॉड्यूल, तो इस तरह से ये प्रोसेस बेसिकली चलता है। अगर और अच्छे से समझना है तो इस तरह से आप यहाँ पर ये ग्राफ और अच्छे से समझा सकते हैं कि पॉलीसिलिकॉन लिया, इनगॉट्स बने, वेफर्स बने, वेफर से सोलर सेल बना, अब सोलर सेल कंबाइंड विद सोलर ग्लास, बैकशीट, ईवीए, जंक्शन बॉक्स, ये सारी चीज़ें इसमें मिक्स होके सोलर मॉड्यूल बना, फिर सोलर मॉड्यूल जो है फिर उसके साथ बाकी ट्रांसफार्मर लगा, सोलर इन्वर्टर लगा, स्विच गियर्स लगे, स्विच यार लगा, फिर वो एक ईपीसी प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें बेसिकली सोलर पैनल्स लगाए जाते हैं, राइट, घर पे लगाने हो या बड़े बड़े फार्म्स में, सोलर फार्म्स में लगाने हो, तो वो ईपीसी प्रोजेक्ट्स बेसिकली कई कंपनीज करती हैं, जैसे स्टर्लिंग एंड विल्सन, राइट, वो मेजरली इसी तरह के प्रोजेक्ट्स करती है, तो वो इस स्पेस में बेसिकली ज़्यादा है, ठीक है। एंड देन जो है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विसेज जो है वो रहती है, ठीक है, तो इस तरह से
मतलब फिर सोलर प्लांट डेवलपर जो बेसिकली सोलर प्लांट चलाते हैं, जैसे अदानी ग्रीन है, टाटा पावर सोलर प्लांट, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, तो ये एनटीपीसी, ये सारे कंपनीज जो हैं फिर वो सोलर प्लांट्स चलाते हैं, ठीक है। तो फिर वो ईपीसी कंपनीज उसमें सोलर प्लांट एंड देन दे वर्क ऑन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस एंड पावर का बेचना खरीदना, वो सारा बेसिकली काम करते हैं। तो इस तरह से ओवरऑल सोलर सेल का पूरा वैल्यू चेन है, ठीक है। आई होप दैट आपको ये चीज़ समझ आ गई हो, ठीक है। अब है वेयर इज द मैक्सिमम वैल्यू, तो अब ये पूरे प्रोसेस में सबसे ज़्यादा पैसा कौन कमाता है, राइट। अब हम तो इन्वेस्टर्स के थॉट प्रोसेस से ये वीडियो बना रहे हैं, तो कौन कमाता है सबसे ज़्यादा पैसा? तो बेसिकली जो रॉ मटेरियल है, जो सिलिकॉन से इनगॉट वगैरह बनाने का जो प्रोसेस है, वो लो मार्जिन बिजनेस है, बहुत केपेक्स लगता है, उसमें इनोवेशन भी कुछ ज़्यादा बची नहीं है अभी, ठीक है। तो वो एक लो मार्जिन बिजनेस है, बहुत हाई केपेक्स बट लो मार्जिन बिजनेस, वॉल्यूम ड्रिवन गिवन है। फिर है सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग, बेसिकली इनगॉट से सोलर सेल बनाना, ठीक है। तो वो जो है वो एक अच्छा मार्जिन का बिजनेस है, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल उसमें क्रिएट होती है, तो मार्जिन अच्छा होता है, इनोवेशन वगैरह भी रह सकती है, बिकॉज जैसे जैसे अलग अलग पॉलीक्रिस्टलाइन है, अलग अलग फॉर्म्स ऑफ सोलर सेल्स जो बन रहे हैं, और इसमें कॉम्पिटिशन भी ऑब्वियसली बढ़ रहा है। फिर जो है वो सोलर सेल को हम मॉड्यूल्स में जो बेसिकली बनाते हैं, या पार्ट्स, मॉड्यूल के डिफरेंट पार्ट्स जो बनाए जाते हैं, जैसे सोलर ग्लास, कौन है सोलर ग्लास में इंडिया में काफ़ी बड़ी कंपनी है, बोरोसिल रिन्यूएबल, यस। तो वो सोलर ग्लास जैसे एक उसका मॉड्यूल का एक पार्ट बनाती है, ठीक है। ऐसे बैकशीट्स हैं, वो भी काफ़ी कंपनीज बनाती हैं। तो इस तरह से ये अलग अलग बेसिकली प्रोडक्ट के पार्ट्स बनते हैं, तो ये भी एक अच्छे मार्जिन के बिजनेस है, इसमें भी इकोनॉमिक ऑफ स्केल है, इसमें भी इनोवेशन का स्कोप है, क्योंकि जैसे जैसे इनोवेशन हो रही है, वो इम्प्रूव हो रहा है टेक्नोलॉजी, और इसमें कॉम्पिटिशन भी ज़्यादा, एटलीस्ट ग्लोब में बहुत ज़्यादा नहीं है। फिर ईपीसी प्रोजेक्ट्स, राइट। फिर ये है कि सब जगह से सामान ले लिया आपने, सोलर पैनल्स ले लिए, ट्रांसफार्मर ले लिया, ये सब ले लिया, ठीक है। और फिर आपने वो पूरा इंस्टॉल कर दिया, मतलब आपने सेटअप किया पूरा का पूरा, चाहे आपको घर की छत पे किया सोलर पैनल्स या जो भी है, ठीक है। तो इस तरह के ईपीसी प्रोजेक्ट, इसमें बिजनेस में मार्जिन ज़्यादा होते नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये तो एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है, बेसिकली आप कुछ बना नहीं रहे हो, इट्स अ सर्विस, राइट। कॉन्ट्रैक्ट वर्क रहता है, इनोवेशन वगैरह कुछ रहता नहीं है इसमें, राइट। कॉम्पिटिशन भी काफ़ी ज़्यादा है, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जबकि स्टर्लिंग एंड विल्सन है, टाटा पावर भी करता है ईपीसी प्रोडक्ट्स, राइट। और भी बहुत छोटे छोटे काफ़ी सारे न्यू प्लेयर्स हैं जो ईपीसी प्रोडक्ट्स से रन करते हैं। फिर है सोलर प्लांट सेटअप पूरा, ठीक है, जैसे अदानी ग्रीन कर रहा है, टाटा पावर कर रहा है, ठीक है, एनटीपीसी कर रहा है, अब तो वो भी है सोलर पावर में, जेएसडब्ल्यू एनर्जी काफ़ी बड़ा प्लेयर है, टोरेंट जो पावर है वो भी इसमें प्लेयर है। तो ये जो सारे हैं ये सोलर प्लांट सेटअप करते हैं, इट्स अ गुड मार्जिन बिजनेस ऑब्वियसली, ठीक है, क्योंकि हम उनके नंबर देख ही सकते हैं, बट केपेक्स बहुत ज़्यादा है इसमें, तो आपको ज़मीन वगैरह भी खरीदनी है या फिर सेटअप करनी है, रेंट पे लेनी है, राइट। तो बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स ही इसमें बेसिकली गेम खेल पाते हैं। तो इस तरह से ये मैक्सिमम वैल्यू कहाँ है, सप्लायर्स के पास है, ठीक है, या सोलर सेल जो मैनुफैक्चर करते हैं उनके पास इनोवेशन का स्कोप है, वहाँ पर भी मार्जिन अच्छा है। तो इस तरह से ये जो रॉ मटेरियल वाला जो है ना, वो उसमें मार्जिन ज़्यादा नहीं है। तो अब अगर हम ओवरऑल करंटली चेन का, पूरे ग्लोब का है ये, तो प्रोसेस देखें, राइट, तो आप देखेंगे जो पॉली सिलिकॉन जो है, कि जो मतलब सिलिकॉन से इनगॉट्स बनते हैं, तो वो बेसिकली चार पांच छह कंपनी है, ज़्यादा कंपनीज नहीं है, तो एक मोर मतलब ओलिगोपॉली पॉली है, मतलब ज़्यादा प्लेयर्स नहीं है, एंट्री बैरियर्स बहुत हाई हैं, ठीक है, इसमें ये टेक्नोलॉजीज यूज़ होती हैं, ठीक है, और बहुत हाई स्केल पे ये काम करना पड़ता है, क्वालिटी कंट्रोल बहुत स्ट्रांग चाहिए होते हैं, राइट। और तो इस तरह का ये बेसिकली एक रॉ मटेरियल बनाने का ये है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स नहीं है, ठीक है, और इनके पास इनपुट सप्लाई होनी चाहिए, राइट, कि मतलब पॉलीसिलिकॉन की इनफ सप्लाई इनके पास आनी चाहिए। फिर आता है वेफर, ठीक है ना, अब इनगॉट से वेफर की जो बात की थी, तो ये जो है इसमें भी लिमिटेड कॉम्पिटिशन है, लेकिन 50 कंपनी है वर्ल्ड में अराउंड, एंट्री बैरियर्स मीडियम है, ज़्यादा नहीं है, और पॉलीसिलिकॉन सप्लायर्स पे इनकी ऑब्वियसली डिपेंडेंस है, कि पॉलीसिलिकॉन इनगॉट्स मिलेंगे तो ये वेफर बनाएंगे, ठीक है। टेक्नोलॉजी इसमें मोनोक्रिस्टलाइन, मल्टीक्रिस्टलाइन जैसे मैंने बताया वो यूज़ होती है, ठीक है। तो इसमें क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी टेक्नोलॉजीज वगैरह ये डेवलप कर सकते हैं। फिर सेल है, कि अब आपने हमने बनाया कि इनगॉट से वेफर, सॉरी वेफर से सेल बनाया, राइट, तो उसमें सर्किटरी वगैरह लगाई, तो ये कॉम्पिटिटिव है, 100 कंपनीज है इसमें, इसमें एंट्री बैरियर ज़्यादा नहीं है, ठीक है, और इसमें भी टेक्नोलॉजी जो है क्रिस्टलाइन और थिन फिल्म टेक्नोलॉजीज यूज़ होती हैं, एस्टैब्लिश प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी कई कंपनीज के पास हैं इसमें। फिर मॉड्यूल, तो भी सर असेंबली ऑफ वेरियस थिंग्स, ठीक है, वो मॉड्यूल बनाना, ठीक है, और बेसिकली सेल्स प्लेस्ड ऑन ग्लास एंड मेड इनटू पैनल्स, राइट। बहुत कॉम्पिटिटिव है, 400 से ज़्यादा कंपनी है वर्ल्ड में, एंट्री बैरियर्स लो है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं चाहिए इसमें, ठीक है, और
बूम बस्ट का एक्सपोजर है, टेक्नोलॉजी ज़्यादा इसमें कुछ बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकली चीज़ें नहीं है, असेंबलिंग है बेसिकली, क्योंकि सोलर सेल में है टेक्नोलॉजी ज़्यादा, बट आपको मॉड्यूल बनाना है तो उसमें टेक्नोलॉजी कुछ नहीं है, और खास आपका डिफरेंशिएशन यही है कि आप कितनी एफिशिएंटली उस चीज़ को कर सकते हो, ठीक है। फिर है इंस्टॉलेशन, आप सोलर सेल का जो इंस्टॉलेशन, जैसे मैंने EPC बोला, अगेन 5,000 से ज़्यादा कंपनी है वर्ल्ड में, फाइनेंसिंग कनेक्शंस आपके आपके रिलेशनशिप बेसिस पे आप वो करते हो, टेक्नोलॉजी कुछ खास नहीं है, प्राइस पे बेसिकली सारा गेम है, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा ग्लोबली वैल्यू चेन कंसिस्टेंटली है। अब कौन कौन से प्लेयर कहाँ कहाँ पे, राइट, अगर हम देखें तो ऑब्वियसली रेड कलर ही दिख रहा है आपको, ठीक है। ओवरऑल जो मॉड्यूल जो बन रहा है, राइट, सोलर सेल का जो मॉड्यूल है, फाइनल मॉड्यूल जो बेसिकली इंस्टॉल होता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, उसमें से अगर आप देखोगे जो मॉड्यूल प्रोडक्शन है ऑलमोस्ट 225 गीगावाट का 2022 में स्टैप मतलब एक्सपेक्टेड है, उसमें से 160 जो है, तो आप समझ सकते हैं, ठीक है, 160 जो है वो मतलब ऑलमोस्ट 70% इज चाइना। चाइना जो है इतना बड़ा प्लेयर है इसमें मॉड्यूल प्रोडक्शन में। सेकेंड इज़ वियतनाम, उसके बाद मलेशिया है, फिर कोरिया है, फिर इंडिया है, राइट, एंड देन US इज़ इवन लेस देन इंडिया, फिर चाइनीज़ तेपाई मतलब बेसिकली ताइवान, और फिर ये सारे कंपनीज बेसिकली बाकी हैं, ठीक है। और ये कंसिस्टेंटली अगर 2015 वगैरह देखें तो आप कंसिस्टेंटली चाइना हैज़ बीन अ बिग बिग प्लेयर इन दिस, ठीक है। और उसी की चीज़ें बात हो रही है, और आगे हम बात करेंगे कि कैसे इसकी मोनोपोली टाइप है इनकी, वो तोड़ने की कोशिश अलग अलग कंट्रीज़ कर रहे हैं। अगर हम और भी ज़्यादा डिटेल में देखें और भी ज़्यादा इसमें अलग अलग जगह पर देखें तो हम समझेंगे, 2010 में अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा डिमांड कहाँ से आती थी सोलर सेल की, वो आती थी यूरोप से, ठीक है। तो ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो 80% डिमांड यूरोप से आती थी 2010 में। आज जो है, ठीक है, 2021 में डिमांड जो है यूरोप से, ओवरऑल डिमांड इज जस्ट अराउंड व्हाट 15-17%, चाइना से ऑलमोस्ट 30% डिमांड आती है, तो चाइना अलोन हैज़ मोर डिमांड देन, ठीक है। एंड नॉर्थ अमेरिका से भी डिमांड अब बहुत बढ़ गई है, तो वहाँ से भी अच्छी खासी डिमांड आ रही है। इंडिया से भी ऑलमोस्ट 8-10% ऑफ जो डिमांड आ रही है इन सोलर PV सेल्स की वो आ रही है, ठीक है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ऐसा है। तो अब डिमांड जो है वो कैसे सिनेरियो चेंज हो गया, चाइना हैज़ बिकम अ बिग डिमांड प्लेयर ऑल्सो, मतलब उनको डिमांड भी बहुत आ रही है। और हमने देखा ना इनिशियली कि कितना बड़ा उनका सेटअप है ग्लोब में, वो मेजरली सबसे ज़्यादा वहीं पर सेटअप हो रहे हैं नए नए सोलर सेल, तो इसलिए डिमांड भी उनका ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा मतलब ऑलमोस्ट 35-40% तो उनका ही डिमांड है वर्ल्ड में सोलर सेल का, ठीक है। अब बना कौन रहा है मॉड्यूल्स, तो ये हमने आज की तारीख में ऑलमोस्ट 75-80% के बीच में मॉड्यूल्स चाइना बनाता है। सेकेंड जो प्लेयर है वो एशिया पैक है, जिसमें कोरिया वियतनाम जैसे हमने देखा वो है, ठीक है। इंडिया इज़ अ वेरी स्मॉल प्लेयर, बाकी सब इज़ वेरी स्मॉल मतलब इनसिग्निफिकेंट प्लेयर्स हैं मॉड्यूल्स में। अब सेल्स में, सोलर सेल बनाते हैं जो, राइट, तो मतलब बेसिकली इनगॉट्स वेफर्स से जो सेल बन रहा है उसमें तो 85% चाइना बना रहा है, रेस्ट अगेन APAC बना रहा है, इंडिया कुछ नहीं कर रहा, मतलब यूरोप कुछ नहीं कर रहा, US कुछ नहीं कर रहा है। वेफर्स जो बन रहे हैं, ठीक है, वो 90-95% चाइना में बनते हैं, उसके अलावा थोड़े बहुत जो बनते हैं वो एशिया पैक मतलब अगेन वियतनाम वगैरह में बनते हैं, ठीक है। अगेन पॉलीसिलिकॉन जो बन रहा है, मतलब पॉलीसिलिकॉन से इनगॉट्स जो बन रहे हैं वो 80% चाइना में बनते हैं। तो आप जस्ट सी द काइंड ऑफ हेगेमोनी दिस चाइना हैज़ इन दिस स्पेस, कैसे दूसरे कंट्रीज इसको तोड़ना वही कोशिश हो रही है हर जगह। जैसे US ने काफ़ी सारी ड्यूटीज़ लगाई हैं, इंडिया ने ड्यूटीज़ लगाई हैं, US ने एक्ट पास किया है कि हम भी बनाएंगे, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें हो रही हैं, ठीक है। तो यही चीज़ें आपको समझनी है। अब ये देखो 2015 में सिनेरियो फिर भी था, मतलब APAC का अच्छा खासा एलोकेशंस थे, चाइना जब भी सबसे बड़ा था, 2010 में भी सबसे बड़ा था, नो डाउट इन इट, बट स्टिल देर वर फ्यू नॉर्थ अमेरिकन प्लेयर्स, यू कैन सी सम APAC प्लेयर, यू कैन सी सम यूरोपियन प्लेयर्स, बट वो सब साफ हो गए हैं। एंड अभी 2021 में मेजरली इट्स ऑल चाइना, तो इट्स अ ह्यूज सप्लाई चेन थिंग कि ये पूरा चाइना डिपेंडेंट है। मतलब अगर आपको सोलर सेल बनाना है कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सामान चाइना से ही आया हुआ है, तभी वो पॉसिबल है कि वो सोलर सेल बन सकता है। तो इस तरह का इनका हेगेमोनी और इसको तोड़ने की कोशिश की। तो कौन कौन सी कंपनीज इसमें हैं, तो पॉलीसिलिकॉन में ये सब कंपनीज हैं, सब मेजरली चाइनीज कंपनी है, वी कैन सी द नेम्स ओनली। तो इनगॉट्स और वेफर्स जो बनाती हैं पॉलीसिलिकॉन से, राइट, वो सब ये साइनो अमेरिकन सिलिकॉन, कॉमटेक, बीजिंग, राइट, तो ये सब मेजरली सब जो है यू चाइनीज कंपनीज हैं। फिर सेल्स और जो मॉड्यूल बनाती हैं उससे, फिर ये सब कंपनीज हैं।
इसमें कुछ कुछ अब इदानी टाटा पावर इन्होंने थोड़ा बहुत ये स्टार्ट किया है कंपनी, इसलिए नाम लिख दिया मैंने यहाँ पे, विक्रम सोलर एक कंपनी है इंडिया की जो उसने थोड़ा बहुत स्टार्ट किया है। फिर इंटीग्रेटेड कंपनीज, इंटीग्रेटेड मतलब जो सब करती हैं, जो मतलब पॉलीसिलिकॉन लेती हैं उसको क्या कहते हैं, इनगॉट्स बनाती हैं, फिर वेफर्स बनाती हैं, फिर सेल बनाती हैं, फिर मॉड्यूल भी बनाती हैं, सब ठीक है, कंप्लीट वैल्यू चेन इंटीग्रेटेड कंपनी कंप्लीटली। तो उसमें भी अगर लॉन्जी बहुत बड़ी कंपनी है, जे सोलर, जिंको सोलर, राइट, कैनेडियन सोलर, तो फर्स्ट सोलर, फिर अदानी और रिलायंस इसमें अब घुसने की कोशिश कर रहे हैं, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कैसे कर रहे हैं ठीक है। तो सबसे ज़्यादा बड़ा मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज कौन सी है, आईको सबसे बड़ी महंगा, तोंगवाई, लोंगी, ये सब चाइनीज मेजरली, एंड वी कैन सी द नेम्स ओनली कि ऑल आर मेजर चाइनीज कंपनी, जो सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं जो मॉड्यूल्स बनाती है, जो मतलब फाइनल प्रोडक्ट बनाती है जिससे जो पावर जनरेट होने वाली है। तो इस तरह से नाउ यू कैन सी द काइंड ऑफ कंपनीज है वी हैव, राइट। टॉप प्लेयर्स, अब जो सबसे बड़े बड़े टॉप प्लेयर्स हैं जो पॉलीसिलिकॉन मैन्युफैक्चरर्स हैं, राइट, क्योंकि वो मेजरली रॉ मटेरियल है, तो वो सब टोंगवाई है, जीसीएल पॉली, वैकर, डैको न्यू एनर्जी, ये सब जो हैं वो ऑल आर चाइनीज कंपनीज मेजरली, राइट। और अगर हम इंटीग्रेटेड प्लेयर देखें तो लॉन्जी एक बहुत बड़ा प्लेयर है, तो वो आप देख सकते हैं गीगावाट में 133 गीगावाट के वेफर्स बनाता है, 50 गीगावाट के सेल बनाता है, 85 गीगावाट के मॉड्यूल्स बनाता है, जिंको सोलर 65-70, फर्स्ट सोलर 9.8, फिर कैनेडियन सोलर। तो किस तरह से ये काफ़ी सारी कंपनीज हैं जो मल्टीपल स्पेसेस में हैं, मतलब पॉलीसिलिकॉन लेते हैं और उसके बाद ये सारे काम खुद करते हैं, वेफर बनाते हैं, इनगॉट बनाते हैं, सेल बनाते हैं, मॉड्यूल बनाते हैं ठीक है। तो इस तरह से ये सारे प्लेयर्स जो हैं वो वर्क करते हैं। अगर हम लॉन्जी को देखें जो कि एक मतलब एप्पल मानी जाती है सोलर वैल्यू चेन की, ठीक है ना, तो उनका अगर हम देखें कि कैसे उनका, देखो आप रेवेन्यू बढ़ रहा है बिलियन डॉलर्स में, 22 बिलियन डॉलर था सिर्फ 2018 में, अभी 129 बिलियन डॉलर है रेवेन्यू ग्रोथ, 50%, 65%, 47%, 60%, दिस इज हाउ दे आर ग्रोइंग, पैट मार्जिन्स, तो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट इनका ग्रोथ है इन इस कंपनी का, राइट, इन द ओवरऑल देयर मतलब R&D में दे स्पेंड ऑलमोस्ट 5.5% ऑफ देयर रेवेन्यू दे आर स्पेंडिंग इन द R&D ठीक है। इनका जो सोलर सेल बनता है उसकी जो एफिशिएंसी है, इट्स वन ऑफ द बेस्ट एफिशिएंसी, मोस्ट एफिशिएंट सोलर सेल ये बनाते हैं जिसकी 26.81% की ऑलमोस्ट एफिशिएंसी है ठीक है। तो इस तरह से ये कंपनीज जो हैं इनोवेशन भी कर रही हैं, नॉट जस्ट मैन्युफैक्चरिंग, तो नया इनोवेशन, नई टेक्नोलॉजीज के साथ काम कर रही हैं, राइट, एंड दे आर गिविंग मोर एंड मोर न्यू इनोवेशन, तो दैट्स व्हाई एप्पल ऑफ सेल्फ सोलर वैल्यू। तो इस तरह से आप ये समझ सकते हैं कि हाउ थिंग्स आर, राइट। तो लीड टाइम्स कितने हैं, मतलब कितना टाइम लगता है एक सेटअप करने में इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग, राइट। तो पॉलीसिलिकॉन सेटअप करने में, मतलब क्या कहते हैं उसको, पूरा जो इनिशियली से सेटअप करने में, चाइना में अगर हमें पॉलीसिलिकॉन फैसिलिटीज सेटअप करनी है तो मतलब 12 से 25 महीने लगते हैं, EU में करनी है तो 20 से 40 महीने लगते हैं, इंडिया में सेटअप करनी है तो 20 से 30 महीने लगते हैं, आसियान कंट्रीज़ में करनी है तो 15 से, तो वो चाइना जितना ही है। सिमिलरली अगर हम इनगॉट्स और वेफर्स बनाते हैं वाले कंपनीज़ में एक सेटअप करनी है तो चाइना में अगेन ये 6 महीने से लेके 20 महीने में हो जाती है, इसमें US में 25 महीने लग सकते हैं, इंडिया में 20 महीने लग सकते हैं, आसियान में चाइना जितना ही लगता है। और सेल और सेल मॉड्यूल, सेल बनाने की कंपनीज या मॉड्यूल बनाने की कंपनीज जो है वो इंडिया इज एक्चुअली नॉट दैट फार अवे ठीक है, तो 5 से 12-10 महीने के आसपास लगते हैं, और US में ज़्यादा और यूरोप में ज़्यादा लगते हैं। तो अगेन अच्छा खासा समय लगता है बेसिकली इन कंपनीज को सेटअप करने में, मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करने में और वो डेवलप करने में। इन्वेस्टमेंट कॉस्ट कितनी है, तो अच्छी खासी कॉस्ट इन्वॉल्व है, चाइना ऑब्वियसली इज द लोवेस्ट कॉस्ट, बट इंडिया की भी उन्होंने यहाँ पर कॉस्ट बताई भी है कि एक गीगावाट सोलर सेल बनाने के लिए कितनी आपको इन्वेस्टमेंट लगेगी, तो पॉलीसिलिकॉन के लिए आपको ऑलमोस्ट अगर चाइना में $60 मिलियन गीगावाट कैपेसिटी बनाने के लिए सेटअप पैसा लगेगा, इंडिया में वहीं पर 130 मिलियन डॉलर लगेंगे, तो ऑलमोस्ट डबल ठीक है। आसियान में उतना ही पैसा जितना चाइना में, बट अगेन US एंड यूरोप में उससे भी ज़्यादा, 150 मिलियन डॉलर। बट अगर हम बाकी इनगॉट्स वेफर में देखें तो इंडिया इज 100 मिलियन, तो इट्स क्लोजर टू चाइना। सेल्स में वी आर ऑलमोस्ट डबल देन चाइना, बट मॉड्यूल्स में वी आर वेरी क्लोज टू चाइना फ्रॉम इन्वेस्टमेंट कॉस्ट परस्पेक्टिव। इन्वेस्टमेंट, मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो लगती है पॉलीसिलिकॉन सेटअप करने में, वो ऑलमोस्ट 200 से 350 मिलियन डॉलर्स
खर्चा होता है जब वो पॉलीसिलिकॉन फैसिलिटी बनती है। इनगॉट्स और वेफर्स बनाने के लिए 100 से 200 मिलियन डॉलर खर्चा होता है, सेल बनाने में ऑलमोस्ट 50 मिलियन डॉलर खर्चा होता है, मॉड्यूल्स बनाने में ज़्यादा खर्चा नहीं होता। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा बड़ा सेटअप सी करने पड़ते हैं, और इंटीग्रेटेड प्लांट बनाना है आपको, पॉलीसिलिकॉन भी करना है, इनगॉट्स भी करना है, वेफर्स भी करना है, तो आप समझ सकते हैं कि अच्छा खासा मतलब हाफ ए बिलियन डॉलर का आपके पास पैसा होना चाहिए, मतलब आपके पास 4-5 हज़ार करोड़ रुपए होने चाहिए जब जाके आप एक इंटीग्रेटेड सेटअप। तो किस लिए कौन कर रहा है इंडिया में, इसलिए वो अदानी और क्या कहते हैं रिलायंस की ही ज़्यादा बात हो रही है, क्योंकि दे ओनली हैव दैट काइंड ऑफ मनी राइट, कि वो 8-8 हज़ार मतलब 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार करोड़ रुपए खर्च कर सकते हैं टू सेटअप सच फैसिलिटी की एक पूरा इंटीग्रेटेड प्लांट बन सके। तो दिस इज वॉट इट इज इट रिक्वायर्स राइट। तो जैसे मैंने बोला था मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन इज द मोस्ट नाउ मेजरली यूज्ड, ठीक है। पहले जो अगर हम पहले तो मल्टीक्रिस्टलाइन होता था, नाउ टेक्नोलॉजी इज ऑलमोस्ट आउट, अगर 2021 में देखेंगे तो मोनोक्रिस्टलाइन का कोई भी प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है, कंप्लीटली मोनो सॉरी मल्टीक्रिस्टलाइन का कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, मोनोक्रिस्टलाइन पे ही कंप्लीटली, बिकॉज दे आर मोर एफिशिएंट एंड कॉस्ट भी अब उनकी कम हो गई है। थिन फिल्म यूज होता है बिकॉज फ्लेक्सिबल जहाँ पर भी चाहिए तो थोड़ा बहुत थिन फिल्म जो है वो यूज शेयर में यूज होता है। पॉलीसिलिकॉन के प्राइजेस भी काफ़ी अभी थोड़े गिरे हैं, ठीक है, अगर हम डॉलर पर केजी के हिसाब से देखें राइट, तो जनवरी 2021 से 2022 आप देखेंगे तो इट वाज मच मच हायर, ठीक है, बट नाउ जनवरी 2023 तक इट हैज़ गॉन डाउन राइट, इट इज़ मच मच लोअर नाउ, ठीक है। तो ये अभी जैसे जैसे ये सिलिकॉन के प्राइजेस कम होंगे, ओवरऑल सोलर पैनल्स के प्राइसेस कम हो जाएंगे, सोलर पैनल्स के प्राइसेस कम हो जाएंगे तो फिर हमारी इलेक्ट्रिसिटी भी ओवरऑल थोड़ी सस्ती हो जाती है, तो ये सारी चीज़ें डायरेक्टली इंपैक्ट करती हैं। रिसाइक्लेबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है सोलर मॉड्यूल, दो इंडिया में कोई ऐसी बड़ी कंपनी नहीं है जहाँ तक मुझे लगता है, ठीक है, बट अगेन बिकॉज ये जो मैन्युफैक्चरिंग होती है पीवी, अब एक बार वो ख़राब हो गया या यूज़ नहीं हो रहा है वो ओवरऑल मॉड्यूल, तो उसकी रिसाइक्लेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उसको अच्छे से रिसाइकिल करें, बिकॉज अदरवाइज इट विल क्रिएट ह्यूज वेस्ट। और इसकी काफ़ी बड़ी बात मतलब डिस्कशन हो रहा है कि ये सब बन तो रहे हैं, हर जगह सेटअप तो हो रहे हैं, बट जब ये वेस्टेज भी कितना ज़्यादा करेंगे और कितना ज़्यादा ओवरऑल अर्थ को नुकसान होएगा, तो वो भी चीज़ें काफ़ी डिस्कस हो रही हैं, एंड आई एम श्योर मेनी सच कंपनीज विल सेटअप देयर ब्रांचेज जिससे रिसाइकलेबिलिटी भी होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं फ्रॉम इंडिया पर्सपेक्टिव, ये तो ग्लोब की बात करी हमने, अब हम इंडिया स्पेसिफिक करते हैं, तो इंडिया में करंटली क्या स्टेटस है। तो करंटली अगर हम स्टेटस देखें तो करंट कैपेसिटी जो कि 2023 में है, हमारे पास पॉलीसिलिकॉन प्रोडक्शन कैपेसिटी ज़ीरो है। इनगॉट और वेफर की जो मतलब पॉलीसिलिकॉन से इनगॉट, इनगॉट से वेफर ज़ीरो है, कोई कैपेसिटी करंटली नहीं है 2023 में। हमारे पास सेल की प्रोडक्शन, हाँ इनगॉट मतलब वेफर आ गया हमारे पास, वेफर से हम सेल बनाने की फिर भी है 6.6 गीगावाट की नेम प्लेट कैपेसिटी है, ठीक है, और फिर मॉड्यूल की फिर भी एक अच्छी खासी 38 गीगावाट्स की मॉड्यूल प्रोडक्शन, जो ओवरऑल सोलर सेल के मॉड्यूल है, तो अलग 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 जगह सारा सामान मंगवा लिया, ठीक है, और फिर असेंबलिंग कर ली और एक पूरा वायरिंग वगैरह करके एक अच्छा मॉड्यूल बना लिया, तो उसकी कैपेसिटी है 38 गीगावाट्स की, और ये बढ़ रहे हैं। 2023 में ये 15 थी, अब 38 हो गए, डबल से ज़्यादा हो गया, सिमिलरली सेल की है। अब एक्सपेक्टेड 2026 में जो अनाउंस किया है वेरियस कंपनीज, रिलायंस इंक्लूडिंग अदानी सोलर, ये सब कंपनीज ने जो अनाउंस किया है, तो ये एक्सपेक्टेड है कि पॉलीसिलिकॉन की कैपेसिटी भी हमारे पास 38 गीगावाट्स की हो जाएगी विद इन नेक्स्ट 3 ईयर्स, ठीक है, विच इज़ वेरी गुड राइट। और इनगॉट और वेफर प्रोडक्शन कैपेसिटी भी 56 की हो जाएगी, ठीक है, सेल प्रोडक्शन कैपेसिटी 6.6 से 59 गीगावाट की हो जाएगी, और मॉड्यूल प्रोडक्शन कैपेसिटी 38 से 110, तो आप ग्रोथ देख सकते हैं कहाँ से हम कहाँ हम टारगेट कर रहे हैं, तो इट्स अ वेरी वेरी बिग मार्केट, ठीक है, और ये गवर्नमेंट भी बहुत फोकस कर रही है, लॉट ऑफ PLI स्कीम्स ऑन इट, तो वो भी थोड़ा बहुत हम डिस्कस करेंगे, बट दिस इज हाउ करेंटली इट इज लुकिंग, सो इट्स अ लॉट ऑफ ग्रोथ विच इज एक्सपेक्टेड इन दिस स्पेस, ठीक है। और अगर हम डिटेल में जाएं तो नेम 38 जैसे मॉड्यूल की मैंने 38 गीगावाट की नेम प्लेट कैपेसिटी है कि भाई इतनी हमारी है, बट एक्चुअली ऑपरेशनल कैपेसिटी 19 से 20 ही है, ठीक है, 70 प्लेयर हैं करंटली जो मॉड्यूल में काम करते हैं इंडिया में, ठीक है, जो मिड से स्मॉल स्केल लार्ज स्केल कंपनीज हैं राइट, और इसको 110 तक लेके जाना है 3 साल में। सेल में 6.6 है बट ऑपरेशनल कैपेसिटी जो है वो 3-4 गीगावाट्स है, करंटली 8 प्लेयर से ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसमें डेवलपमेंट हो रहा है, और 50 से ज़्यादा इसकी कैपेसिटी की एक्सपेक्टेड है। सिर्फ एक ही प्लेयर है जो कि है अदानी, तो उसमें करंटली दे आर एक्सपेक्टेड कि एंड ऑफ 2023 तक 2 गीगावाट की कैपेसिटी दे विल सेटअप ऑन इनगॉट्स, मतलब पॉलीसिलिकॉन से इनगॉट, इनगॉट टू वेफर बनाने की कैपेसिटी सेटअप करेंगे,
ठीक है, और इसमें आगे कैपेसिटी हमने देखा, पॉलीसिलिकॉन में कोई कमी नहीं है और पीएलआई स्कीम है इसमें, तो एक्सपेक्टेड है कि इसमें आगे कोई प्लेयर आएगा। दिस इज़ आवर करंटली मार्च 2023 तक का ये स्टेटस करंटली है। ठीक है, अब इंडियन प्लेयर्स कौन कौन से कहाँ कहाँ पे हैं या फिर प्लान कर रहे हैं घुसने का। ठीक है, तो रिलायंस है, रिलायंस न्यू एनर्जी का अलग से डिवीजन बनाया है। आई डोंट नो इफ यू हैव सीन द वीडियो ऑफ दैट और नॉट, व्हाट ए डिटेल वीडियो मंदार ने बनाया हुआ है कम्प्लीटली समझाने के लिए रिलायंस न्यू एनर्जी कैसे कैसे अलग अलग स्पेसिस में है, क्या क्या कर रहा है और कैसे कैसे कैपेसिटी सेटअप कर रहा है, कहाँ कहाँ पे कितने एक्विजिशंस किए हैं, क्या इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है, बहुत डिटेल में उसने वीडियो बनाया हुआ है इसके ऊपर, तो ज़रूर चेक कीजिएगा आप। उसका मैं लिंक भी डाल देता हूँ कमेंट सेक्शन में। ठीक है ना, तो उनकी 4 गीगावाट की कैपेसिटी एक्सपेक्टेड है। पॉलीसिलिकॉन भी करने वाले हैं, वो पूरा इंटीग्रेटेड प्लेयर बनने वाले हैं। अदानी इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब अदानी सोलर बेसिकली, विच इज़ अदानी एंटरप्राइज की आई थिंक सब्सिडरी है। 4 गीगावाट अगेन उसका भी ये चारों सेटअप करने हैं। जिंदल सोलर वो भी चारों में करने वाले हैं। शिरडी साई इलेक्ट्रिक है वो भी चारों में। फर्स्ट सोलर जो कि एक बाहर की कंपनी MNC है इंडिया में सेटअप कर रहा है वो प्लांट, दे आर ऑल्सो सेटिंग अप ऑल 4, तो इंटीग्रेटेड। फिर कोल इंडिया भी सेटअप कर रहा है, तो वो वेफर सेल वगैरह LNT भी कर रहा है सेटअप, वो इन तीनों में कर रहा है, पॉलीसिलिकॉन में नहीं जा रहा है। रिन्यू पावर, क्यूबिक पी, टाटा पावर सोलर जो है वो सेल और मॉड्यूल में मेजरली फोकस करने की बात कर रहा है, नॉट इन वेफर एंड पॉलीसिलिकॉन। ठीक है, वारी एनर्जीज अगेन सेल एंड मॉड्यूल, विक्रम सोलर, ये सारी कंपनी जो है मेजरली मॉड्यूल एंड सेल पे ज़्यादा फोकस करने की बात कर रहे हैं। तो जो मेजरली इंटीग्रेटेड प्लेयर हैं, जिसमें मैंने बोला था ऑलमोस्ट $500 million में 4-5 हज़ार करोड़ रुपये खर्च होने वाले हैं, तो वो ये टॉप 4-5, जिसमें से 3 तो बड़े हमारे बिजनेस हाउसेज ही हैं, रिलायंस, अदानी, जिंदल और एक फर्स्ट एनर्जी, फर्स्ट सोलर जो कि बाहर MNC है, काफ़ी बड़ा प्लेयर है, तो एक शिरडी साई इलेक्ट्रिक ही ऐसा प्लेयर है जो इसमें करने की कोशिश कर रहा है। तो दिस इज हाउ करंटली मेजर इंडियन प्लेयर्स आर लुकिंग एट। ठीक है, तो जो पॉलीसिलिकॉन की अगर हम बात करें, राइट, तो ये फर्स्ट स्टेज होती है PV मैन्युफैक्चरिंग की, राइट, और कब सबसे कॉम्प्लेक्स है, राइट, एज आई सेड कि अगर 1 गीगावाट के लिए ऑलमोस्ट $150 million इसमें खर्च करना पड़ता है, बहुत बड़ा कैपेक्स करना पड़ता है, राइट, तो रिलायंस एंड अदानी ही इसमें मेजरली इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं। ठीक है, जो कि और जो फुली इंटीग्रेटेड प्लेयर्स होते हैं ना, उनके लिए ये काफ़ी एडवांटेजेस होता है, क्योंकि उनको लो कॉस्ट रॉ मटेरियल मिल जाता है और उनको डिपेंडेंस नहीं है ना बाहर के प्राइसिंग के ऊपर, ग्लोबल प्राइसिंग के ऊपर, पॉलीसिलिकॉन का प्राइसेस कितने ज़्यादा ऊपर नीचे जा रहे हैं, तो वो इसलिए वो सोचते हैं कि भाई खुद ही कर लो, राइट, क्योंकि अदरवाइज फिर भी वी विल डिपेंड ऑन इंपोर्ट्स एंड ग्लोबल प्राइसेस एंड देन फिर वो सारा इश्यूज, फिर वही क्रूड ऑयल जैसा ही हिसाब बन गया। तो इसीलिए PLI स्कीम्स भी हैं, राइट, जो कि इंटीग्रेटेड फैसिलिटी बनाने के लिए इंडिया जो है अडॉप्ट कर रहा है। ठीक है, पॉलीसिलिकॉन कॉस्ट की एक साइड कॉस्ट भी कम हुई है, ठीक है, और हमने वो डिस्कस ऑलरेडी किया है, और एक्सपेक्टेड है कि आगे और भी ये जैसे जैसे नए नए प्लांट सेटअप होंगे वर्ल्ड में, डिमांड मतलब सप्लाई अच्छी खासी हो जाएगी, तो इसके जो प्राइजेज हैं और भी कम होने चाहिए धीरे धीरे आगे जाके। ठीक है, अब सेकंड जो स्टेज है जिसमें इनगॉट्स बनते हैं, पॉलीसिलिकॉन टू इनगॉट्स और इनगॉट्स टू वेफर्स, राइट, तो इसमें करंटली 97% जैसे हमने देखा भी था चाइनीज डोमिनेंस है कम्प्लीटली। ठीक है, तो इसमें और कोई खास प्लेयर है ही नहीं। अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया, जो केपेक्स है वो जो सेल मैन्युफैक्चरिंग होती है उतनी ही होती है, बट वेफर टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, राइट। अदानी सोलर जो सिर्फ एक ऐसी कंपनी है जो करंटली इनगॉट्स और वेफर मैन्युफैक्चर कर रही है इंडिया में, ठीक है, और मुद्रा फैसिलिटी में वो सब कर रहे हैं, ठीक है, और उनका मतलब इम्प्रूव है कि हम एफिशिएंसी और इम्प्रूव कर सकते हैं वो इनगॉट्स की। अपकमिंग कैपेसिटी अदानी सोलर 2 गीगावाट की और 10 गीगावाट तक 2025 में उनको करना है फॉर वेफर एंड इनगॉट्स। रिलायंस न्यू एनर्जी जैसे हमने बात की, ठीक है, तो उन्होंने एक जर्मन वेफर मैन्युफैक्चर नेक्स्ट वेव पे इन्वेस्ट किया है, ठीक है, और उसकी टेक्नोलॉजी से दे विल मैन्युफैक्चर इट। ठीक है, तो इस तरह से ये बेसिकली अपकमिंग कैपेसिटीज हमारी एक्सपेक्टेड है। सोलर सेल, फिर अब वेफर बन गया, अब सोलर सेल की बात करें, ठीक है, तो सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग जो है ये काफ़ी बड़ा प्ले बनने वाला है, और हमने देखा कि ये काफ़ी बड़ा प्लेयर बनने वाला है इसमें, और काफ़ी सारे प्लेयर्स इसमें हमारे हैं। ठीक है, तो अदानी है, जुपिटर है, जो करंटली जो ये नेम प्लेट कैपेसिटी है, मतलब करंटली जो कैपेसिटी उनके पास है, ठीक है, तो उसमें 4 अदानी की है, जुपिटर सोलर की 0.8 है, प्रीमियर है 0.7, स्टार्टअप पावर सोलर के पास भी 0.53 है करंटली, BHEL के पास भी है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के पास भी थोड़ी सी सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी है, रिन्यूस के पास है, तो ये सारी कंपनीज करंटली हैं, और ये काफ़ी बड़ा प्ले बनने वाला है कि इवन रिलायंस ने 10 गीगावाट सोलर सेल और मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करने की बात की है जामनगर में, जैसे मैंने बोला कि वो आप जरूर वीडियो देखिए, उसमें समझ आएगा आपको क्या क्या कर रहा है रिलायंस इसमें। ठीक है, तो 20 गीगावाट का एक्सपेक्टेड है कि ये स्केल होगा, क्या कहते हैं, 52 गीगावाट की कैपेसिटी हमारी एक्सपेक्टेड है कि हम इसको ले जाएंगे बाई 2026 बेस्ड ऑन JMK रिसर्च। ठीक है, तो इस तरह से ये काफ़ी सारी कंपनीज इसमें
आर एक्सपैंडिंग और कई कई नई कंपनीज भी, विक्रम सोलर और MV, तो ये सारी कंपनीज भी बेसिकली ऐड करने की कैपेसिटी की बात कर रहे हैं और कुछ बाहर की कंपनीज भी इसमें आने की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब है सोलर मॉड्यूल। ठीक है, तो जिसमें सबसे कम इन्वेस्टमेंट भी लगती है और काफ़ी सारे प्लेयर्स इंडिया में ऑलरेडी हैं और ठीक ठाक कैपेसिटीज ऑलरेडी हैं, तो वारी एक सबसे बड़ा प्लेयर है जिसकी ऑलरेडी कैपेसिटी अच्छी है, अदानी की भी 4 GW, वारी सबसे बड़ा प्लेयर है जो सोलर मॉड्यूल्स बनाता है, मतलब सोलर सेल लेगा फिर बाकी चीज़ें लेगा, जैसे मैंने हमने देखा ना सोलर ग्लास लेगा, बैकशीट लेगा, सारी चीज़ें लेगा और सोलर सेल मॉड्यूल बनाएगा, तो उसमें वारी सबसे बड़ा प्लेयर है करंटली 9 GW की उनकी कैपेसिटी है। सेकंड अदानी सोलर है, फिर विक्रम सोलर है, गोल्डी है, वह सारी कंपनीज हैं। रिलायंस ने अभी तक स्टार्ट ही नहीं किया है ना, वो ऑब्वियसली दे विल ऑल्सो कम इन पिक्चर, बट करंटली जो कैपेसिटी है नेम कैपेसिटी और काफ़ी सारे इसमें प्लेयर्स हैं इंडिया में। ठीक है, तो ये सारे प्लेयर्स उसमें काम कर रहे हैं। ठीक है, और जो एडिशन होने वाला है, तो रिलायंस ऑब्वियसली 10 GW की एडिशन की बात कर रहा है, एंड फिर शिरडी साई इलेक्ट्रिकल्स की हमने बात की, वो भी 10 GW, फिर और भी टाटा सोलर 4 GW और रिन्यू 4 GW, तो इसमें सारे काफ़ी सारे प्लेयर्स जो हैं नए नए एडिशंस इसमें बेसिकली बात करने की हो रही है कि 73 GW तक एक्सपेक्टेड है ये हो जाएगा इसकी कैपेसिटी इंडिया में सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो बेसिकली विच इज़ मोर ऑफ एज आई सेड असेंबलिंग वर्क, ठीक है, और सम फैब्रिकेशन वर्क, तो ये सारी चीज़ें होंगी। एक्सपोर्ट्स भी इंडिया से इम्प्रूव हो रहा है सोलर मॉड्यूल्स का, जैसे जैसे मॉड्यूल कंपनी बढ़ रही है तो एक्सपोर्ट्स भी कर रही है वो, राइट। तो अब अगर हम देखें तो इंडिया में ऑलमोस्ट नवंबर में 2022 में $140 million का सोलर मॉड्यूल का एक्सपोर्ट हुआ है, विच इज़ मेजर टू US। ठीक है, तो वो भी चीज़ आप समझिए कि एक्सपोर्ट्स भी इसमें एक्सपेक्टेड है कि काफ़ी बड़ी मार्केट हमारे लिए ये खुल सकती है, क्योंकि चाइना प्लस वन, राइट, इसमें काफ़ी बड़ा एक प्ले हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग डिपेंडेंट हैं चाइना पे एंड दे वांट टू डाइवर्सिफाई, राइट, दे डोंट वांट टू सेटअप एवरीथिंग ऑन देयर ओन। सब नहीं सेटअप कर पाएंगे शायद, सारी कंट्रीज नहीं सेटअप कर पाएंगे, बट एवरीवन डोंट वांट टू डिपेंड जस्ट ऑन चाइना, तो इसमें काफ़ी बड़ा एक एक्सपोर्ट प्ले भी है। तो ओवरऑल जो है करंटली, सिंस वेरी हैवीली डिपेंडेंट है, तो इसमें ऑब्वियसली जियोपॉलिटिकल और काफ़ी फ्यूचर टेक्नोलॉजी है ये पावर की, तो जियोपॉलिटिकल आ ही जाता है इन सब चीज़ों में। ठीक है ना, तो इंडिया ने एक सेफ गार्ड ड्यूटी लगाई थी 2018 में, US ने एक एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई चाइनीज PV इंपोर्ट्स पे, फिर उन्होंने एक इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट सेटअप किया जिसमें उन्होंने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स दिए PV मैन्युफैक्चरिंग के, तो सब ये सब कर रहे हैं, राइट। और इंडिया ने भी बजट एलोकेशन $3.2 billion का बजट एलोकेशन किया है PLI स्कीम्स में इन 2 tranches। ठीक है, और काफ़ी सारी कंपनीज ने अप्लाई भी किया है, दे हैव गॉट समथिंग ऑल्सो। एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी बना है, राइट, जिसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट $1000 billion, मतलब ऑलमोस्ट $1 trillion का इन्वेस्टमेंट इन सोलर एनर्जी सॉल्यूशंस में 2030 तक का टारगेट है कि भाई इतना पैसा डालना चाहिए ओवरऑल सोलर पावर को इम्प्रूव करने के लिए, एफिशिएंसी, R&D करने के लिए और मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करने के लिए। तो एक सोलर अलायंस सेंटर जो इंडिया ने बनाया था एंड फ्रांस ने आई थिंक मिलके ये ISA बनाया था, तो वो भी एक काफ़ी बड़ा इसमें प्लेयर चल रहा है, तो चाइना के बेसिकली एक चाइना प्लस वन। तो करंटली ट्रांस 2 चल रहा है PLI का इन सोलर एनर्जी। ठीक है, तो कंपनीज रिलायंस, शिरडी साई, टाटा पावर, रिन्यू पावर, JSW एंड फर्स्ट सोलर ने इसमें अप्लाई किया है, दे हैव गॉट द अप्रूवल्स एज वेल। ठीक है, फिर अब सिंस ये सोलर सेल्स बन रहे हैं, सोलर मॉड्यूल्स बन रहे हैं, राइट, तो काफ़ी ज़्यादा कई ये सब कंपनीज बोल रही हैं कि भाई हमें रॉ मटेरियल, पॉलीसिलिकॉन की कंपनीज इंडिया में कोई नहीं है, राइट, वेफर की कुछ खास कंपनी नहीं है, अब हम कोई सोलर सेल बना रहा है, आगे मॉड्यूल बना रहा है, अब इनको ये सब सामान तो चाहिए ना, तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा कंपनीज ने बोला है कि भाई आप जो है ये प्रोक्योर करने के लिए हमारे लिए तो कुछ कुछ चीज़ें एग्जेम्प्ट कर दो, मतलब हम हर चीज़ रॉ मटेरियल्स पॉलीसिलिकॉन वगैरह अभी हमें चाइना से करने दो इम्पोर्ट, राइट, तभी हम ये बना पाएंगे, अगर आप उसमें भी इम्पोर्ट ड्यूटी लगाओगे, ये सब चीज़ें करोगे, तो फिर हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, हम सोलर सेल कैसे बनाएं, पहले सोलर सेल बना रहे हैं अगर हम, तो हम कैसे बनाएं जब तक हमारे पास वेफर्स नहीं हैं या इनगॉट्स नहीं हैं या पॉलीसिलिकॉन नहीं है, राइट, तो तभी हम सोलर सेल बना सकते हैं। अब आप इम्पोर्ट ही बंद कर दोगे या इम्पोर्ट पर हाई ड्यूटी लगा दोगे तो हमारे सोलर सेल महंगे हो जाएंगे, सोलर मॉड्यूल महंगे हो जाएंगे, तो फिर हम कॉम्पिटिटिव नहीं रहेंगे, तो फिर लोगों को लगेगा इससे अच्छा मैं इम्पोर्ट ही कर लेता हूँ पूरा का पूरा मॉड्यूल ही। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने एक अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग के लिए सेटअप किया था कि भाई यही लोग इम्पोर्ट कर सकते हैं, फिर वो एग्जेम्प्ट किया एक साल के लिए, उन्होंने कहा कि ठीक है अभी आप इम्पोर्ट करो रॉ मटेरियल को। इसीलिए आपने देखा होगा बोरोसिल रिन्यूअल का जो हमने एनालिसिस किया था, तो वो सोलर ग्लास बनाता है, मॉड्यूल में एक पार्ट बनाता है, ठीक है, तो उनको काफ़ी नुकसान हुआ था उससे, एक साल पहले तक उस सोलर ग्लास के ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी थी चाइना से और देवर इंजॉइंग ऑलमोस्ट मोनोपोली, बोरोसिल रिन्यूअल इज अ बिग प्लेयर इन इट, बट फिर गवर्नमेंट ने उस ड्यूटी को हटा दिया।
क्योंकि एज आई सेड कि बहुत सारे मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स ने कहा कि भाई अगर एक कंपनी पर डिपेंड नहीं हो सकते ना बोरोसिल रिन्यूअल, और ऑब्वियसली दे आर मोर कॉस्टलियर देन चाइनीज इम्पोर्ट्स, तो उन्होंने कहा कि भाई ये महंगा दे रहा है, इस पर ही डिपेंडेंट है, उनकी कैपेसिटी भी इतनी नहीं है, तो हम मॉड्यूल कैसे बनाए, मॉड्यूल महंगे हो रहे हैं हम इस चक्कर में हमारे, और फिर हम कॉम्पिटेटिव नहीं है वर्ल्ड में, हम एक्सपोर्ट भी करना है तो इसलिए गवर्नमेंट ने वो ड्यूटी हटा दी। गवर्नमेंट ने कहा ठीक है हम पीएलआई स्कीम सेटअप कर रहे हैं, और कंपनीज आएंगे, और मेजर प्लेयर्स आएंगे, एक कैपेसिटी अच्छी होने दो बड़ी, ठीक है, और फिर शायद ये बाद में ये सब ड्यूटीज़ और सब चीज़ें होंगी। तो इस तरह से बेसिकली ये सारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। तो यूरोपियन कमीशन ने भी एक नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट जो है वो सेटअप करने की बात की है, उन्होंने भी वहाँ पर ये सारी स्केल अप करने की बात की है क्लीन टेक्नोलॉजीज और मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। तो इसलिए काफ़ी सारी चीज़ें इस स्पेस में चल रही हैं। तो चैलेंजेस क्या क्या हैं इसमें, ठीक है। तो अभी भी एक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्ट है, इम्पोर्ट डिपेंडेंस है, इसमें कोई डाउट नहीं है, राइट। अभी भी 80-85% सोलर मॉड्यूल्स जो इंडिया में लगते हैं वो इम्पोर्ट होते हैं। डोमेस्टिक कंज्यूमर्स इंडियन प्रोडक्ट्स के ऊपर अभी भी स्टैंडर्ड्स पे, क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा कन्विंस्ड नहीं है, स्पेशली छोटी कंपनीज वगैरह में, राइट। तो उनको लगता है कि नहीं भाई जो चाइना बना रहा है या फिर दूसरी कंट्रीज बना रहे हैं तो दे आर बेटर क्वालिटी, तो वो अभी भी एक माइंडसेट है। स्किल्ड मैन पावर इंडिया में उस तरह की नहीं है, बिकॉज इट्स अ वेरी हाई प्रिसीजन इंजीनियरिंग, स्पेशली सेल बनाना या फिर वेफर्स बनाना, इट्स अ हाई स्किल्ड इंजीनियरिंग, तो वो चीज़ हमारे पास उस तरह की हाईटेक मशीनरी या सेल्स नहीं है, राइट। और फिर ड्यूटीज़ लग जाती हैं तो उसकी वजह से वो महंगी हो जाते हैं, तो वो सारी चीज़ों भी अभी गवर्नमेंट भी उस हिसाब से चीज़ें देख रही है। इंटीग्रेटेड कंपनीज अभी एक भी नहीं है, अदानी सोलर और रिलायंस, ठीक है, तो ये सब सेटअप करने की बात कर रहे हैं, बट अभी तक कोई भी नहीं है करेंटली इंडिया में, राइट। तो उसकी वजह से पूरा का पूरा इंटीग्रेटेड नहीं है, तो कोई भी एक कॉम्पिटिटिवली प्राइज्ड नहीं है। अभी इम्पोर्ट करना पड़ रहा है तो एक पार्ट बना रहे हो आप तो वो महंगा पड़ता है, पड़ जाता है। तो जैसे जैसे इंटीग्रेटेड प्लेयर्स बनेंगे तो आई थिंक कॉस्ट एडवांटेजेस क्रिएट होंगी, ठीक है। तो ऑब्वियसली इंडिया जो है वो चाह रहा है कि सेल्फ सफिशिएंट हो पीवी मैन्युफैक्चरिंग में, 2-3 ईयर्स में उनका कुछ टारगेट है, 2026 तक वी शुड बी सेल्फ सफिशिएंट इन पीवी मैन्युफैक्चरिंग, सोलर पीवी मतलब सोलर फोटोवोल्टिक सेल, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में। तो वो चाह रहे हैं कि हम 3 साल में ये अपना तो एटलीस्ट हमारी कैपेसिटी हमें जो चाहिए वो यूज़ हो जाए, फिर हम एक्सपोर्ट भी करेंगे, राइट। एंड तो ये चीज़ें हैं, क्वालिटी और कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग एंड पॉलिसी स्टेबिलिटी टू मेंटेन इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इन द मार्केट, तो ये सारी चीज़ें बेसिकली हो रही हैं। सो दैट इज़ ऑल, आई होप दैट आपको ये वीडियो अच्छा लगा एंड यू ओवरऑल अंडरस्टूड हाउ ओवरऑल सोलर सेल का जो सप्लाई चेन है वर्ल्ड में, इंडिया में क्या कैसे चलता है, कौन कौन सी कंपनी है, अपने वारी न्यू टेक्नोलॉजी एक लिस्टेड कंपनी है, दैट इज़ एन EPC, वो ओवरऑल सप्लाई चेन में कहीं फिट नहीं होती लास्ट में, हाँ वो EPC में है, मतलब मॉड्यूल दे दो अब हम आपको इम्प्लीमेंट कर देंगे, आपकी छत पे लगा देंगे, ये सब करते हैं वो ये करते हैं, ठीक है। बोरोसिल रिन्यूअल की हम बात कर ही चुके हैं, राइट। स्टर्लिंग एंड विल्सन के लोग पूछते हैं मेरे से, तो अगेन वो EPC कंपनी है, तो दे आर नॉट इन द ओवरऑल सप्लाई चेन, मॉड्यूल्स वगैरह कुछ तो बनाते नहीं है, वो EPC कंपनी है जो कि रिलायंस ने उसमें इन्वेस्ट भी किया। तो इस तरह से करंटली जो मेजर कंपनीज हैं वो इस तरह से मतलब हैं। आई एम श्योर ये जैसे जैसे ये स्पेस बढ़ेगा, जैसे जैसे और कैपेसिटी एडिशंस होंगे, मोर एंड मोर कंपनीज विल कम अप, ठीक है, एंड मोर IPOs इन दिस स्पेस विल कम अप, ठीक है। बट एक डेफिनेटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्पेस है, और हम अपने जैसे मैंने बताया कि हमारा एक EV एंड ग्रीन एनर्जी मॉडल पोर्टफोलियो है, उसमें ये सब कंपनीज जो नए नए आ रही हैं उसमें काफ़ी क्लोजली ट्रैक करते हैं और देखते हैं, जो इवन दो काफ़ी सारी वेरी स्मॉल कैप कंपनीज भी हैं, बट वी वेरी क्लोजली ट्रैक ऑल दीज कंपनीज एंड सी कि हाउ दीज कंपनीज बेसिकली कैन बिकम वेरी बिग, बिकॉज डेफिनेटली स्कोप तो दिख ही रहा है और हम देख रहे हैं, बट वो कितनी बड़ी हो सकती हैं और कितना बड़ा ये स्पेस हो सकता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली कौन कौन सी कंपनी, राइट आइडेंटिफिकेशन, गवर्नेंस स्टैंडर्ड, उसका क्वालिटी, वो सारी चीज़ें वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो वो थोड़ा देख के आई एम श्योर वी विल कीप ऑन ट्रैकिंग ऑल दिस कंपनीज फॉर यू एंड जस्ट कीप अस फॉलोइंग ऑन यंदा इन्वेस्टमेंट अकेडमी का यूट्यूब चैनल एज वेल एज स्टॉकोमीटर एंड मॉडल पोर्टफोलियो। हैव अ ग्रेट टाइम एट दोस्तों, जय हिंद।